तो गाइस ये जो कार है ना, यही टेक्नो गेमर्स की कार है और ये ही हमें चुरानी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सख्त पै रहा है यहाँ पे पुलिस वालों का। और ये लोकेशन कहाँ पे है मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस जो आप अभी आगे वाला जो बंगला देख रहे हैं ना, वहीं पे हमें चोरी करनी है। बंगला काफ़ी बड़ा है और इसके जो गेट देख रहे हैं वहाँ पे भी आपको पुलिस वाले दिखाई देंगे। तो इसके चारों तरफ गेट है और हर गेट पे दो पुलिस वाले बंदे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस जो बंगले में है एक इवेंट चल रहा है जहाँ पे पांच कार है, मतलब पांच सुपर कार जो है वो इंपोर्ट कर रहा है बाहर के कंट्री से। तो वहाँ पे जो आजू बाजू के लोग वो वहाँ पे देखने को आए कार को, तो हमें बस हम या वहाँ पे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें वो पुलिस वाले मार देंगे। तो हम यहाँ से पहले स्नाइपर से देख लेते हैं पुलिस वाले कहाँ पे, और यहाँ से ही फायरिंग कर देते हैं, मतलब अंदर के पुलिस वालों को यहाँ से ही मार देते हैं। और जब पुलिस वाले पूरे मार जाएंगे हम अंदर चले जाएंगे, क्योंकि कैसा है कि पिछली बार मैं अंदर चले गए तो डायरेक्ट वो पुलिस वाले ने मुझे मार दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मिशन फेल हो हमसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पांच कारें हैं, आपको दिखाई देखी होंगी। तो पहले सबसे पहले हम अंदर के पुलिस को मारते हैं। तो देखते हैं अभी कोई आता है क्या नहीं, मतलब जो भी आएगा ना उसे फट से हेडशॉट दे देंगे और सुला देंगे। और जब भी ये माजरा ख़त्म हो जाएगा तो गेट गेट जो गेट कीपर पे जो पुलिस वाले उनको भी हटा देंगे। तो अभी सभी बाहर आ चुके हैं और इनको भी मार देते हैं हम। इन्होंने मुझे देख लिया, अभी इनको मेरी लोकेशन जो है स्पॉट हो चुकी है, तो ये मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरे को मारना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई भी ऐसे नहीं मारने वाला इतनी जल्दी, ऐसे ही मैं घर से च्यवनप्राश खा के नहीं आया। लगता है सभी मर गए, तो अभी हम अंदर जा सकते हैं, मतलब अभी हमें कोई मार नहीं पाएगा। और पिछली बार जब मैं आता इतनी जम के फायरिंग होती, क्या बताओ, मतलब इन्होंने तो मुझे मतलब ख़त्म ही कर दिया था, मतलब दो तीन गोलियां मारी और मैं मर ही गया चारों तरफ से फायरिंग, मतलब इतनी सारी पूरी पुलिस है अंदर कि क्या बताओ। अभी मैं अंदर जाऊँगा ना तो आपको देखेंगे कि पुलिस वाला कितनी सारी है, तो मतलब इतना गंदा इन्होंने पहरा लगाया कार के आजू बाजू में, क्या बताओ मैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और ये बंदा जो है ना बहुत ही रईस है, मैंने देखा है इसको दो तीन बार बाहर आते जाते हुए। पीक एंड फायर का ऑप्शन होता था, हम इसलिए मतलब मार देते पट से हेड शॉट, लेकिन यहाँ पे पीक एंड फायर का हिसाब नहीं है, तो मतलब यहाँ पे पबजी टाइप कुछ नहीं है, अगर होता तो अच्छा होता। मतलब तो हमने इनमें से कोई भी कार नहीं सिखाई, लेकिन ये जो है बुकआउट है उसके बाद ये चीता से, और ये लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी से आने और उसके बाजू भी की लैम्बोर्गिनी है, लेकिन वो कौन सा मॉडल है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आपको बताया तो कमेंट करो। यहाँ से ना डिफिकल्ट है मतलब रास्ता ढूंढना, तो ये जल्दी निकल निकल जाती है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से निकलेंगी, तो शायद गेट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे छोटा गेट है लेकिन यहाँ से निकलेंगी हमारी कार, तो वहाँ पे बड़ा गेट दिख रहा है मुझे, हाँ यहाँ से निकल जाएंगी। तो यहाँ पे भी लेकिन दो पुलिस वाले हैं, लेकिन इनका ध्यान नहीं है, मतलब चूतिया पुलिस वाले हैं बिल्कुल, इनका जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा मैं, पर क्या मतलब क्या ही बताओ। पुलिस वाले दो पुलिस वाले वहाँ पे भी थे, क्या छोटे पुलिस वाले मतलब ये लोग आते हैं। अभी सक्सेसफुली हमने चुरा ली, अभी माइकल के गैरेज में लेके जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, मतलब हमेशा उसके यूज करेंगे। तो इसके लिए इस कार को मतलब एक एक तरीके से दिखाने के, मतलब अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से एक कार दिखाऊंगा इसकी, जो मतलब फुल स्पीड में चला के देखेंगे, फुल स्पीड में क्या है। तो ये है इसका इंटीरियर, देखो लैम्बोर्गिनी का लोगो है, ब्रांडिंग भी है। चलते हैं अंदर यार, इसको रख देते हैं, बाद में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। मतलब एक पद्धत से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, मतलब जो लैम्बोर्गिनी सियान है इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग बोलो तो। तो ठीक है, अगर आपको ये क्या है यार ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो यार, नहीं करना है तो मत करो यार, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके छोड़ दो यार, बाद में वीडियो देखो या ना देखो आपकी मर्जी, लेकिन सब्सक्राइब करके तो चले जाओ एटलीस्ट। ठीक है, बाय, थैंक यू।